सुजानपुर का विकास वार्ड नंबर 9 के विकास हेतु वार्ड में उतरे मनीष गुप्ता ने चुनावों के एक वर्ष पूरा होने से पहले ही वार्ड की दयनीय स्थिति को सुधारने की जद्दोजहद छेड़ दी है। लाखों रुपए के बजट वार्ड नंबर 9 में डलवाकर गलियों के पक्का करवाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन उनके साथ साथ वार्ड नंबर 9 में रहने वाले लोगों के लिए मनीष गुप्ता मसीहा के तौर पर कोविड-19 बीमारी के दौरान लोगों की सहायता करते भी नजर आ रहे हैं। उनके माध्यम से यह घोषणा की गई है कि अगले 5 वर्षों तक जो भी वेतन नगर परिषद से मिलेगा वह पूरा गरीब जनता के लिए खर्च करेंगे। उन्होंने बताया कि विकास करवाना मेरा प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने बताया कि पूरे शहर के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गलियों का निर्माण करना और ट्यूबलाइट लगाना मेरा उद्देश्य रहेगा। उन्होंने वार्ड नंबर 9 के निवासियों से अनुरोध किया है कि यदि किसी को भी कोई समस्या पेश आएगी तो उसका निपटारा मौके पर कर दिया जाएगा। हमने सैनिटाइजेशन का जो अभियान है वो शहर में सबसे पहले हमने ही प्रथम स्तर पे वार्ड नंबर 9 में शुरू किया था, और जहाँ भी सुजानपुर शहर को हमारी जरूरत महसूस होती है हम शहर के साथ हैं। रही सैलरी की बात, तो जब तक मैं 5 साल वार्ड पार्षद हूँ, जो मेरी सैलरी है, जो हमारे वार्ड में 9 नंबर में जो गरीब लोग हैं, बीपीएल में हैं, अपंग हैं, और सुजानपुर पूरे शहर में जहाँ भी मुझे महसूस होगा मैं उनमें अपनी सैलरी दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे और भी अपनी तरफ से भी देना पड़ता है तो मैं दूंगा। सर, वार्ड नंबर 9 की समस्याओं को भी आप हल करते नजर आ रहे हैं, लोगों में चर्चा है कि आपके पार्षद के रूप में लोग बढ़िया से आपको देखते नजर आ रहे हैं, किस प्रकार लोगों का धन्यवाद आप करते नजर आएंगे? वार्ड नंबर 9 की मेरे सभी आदर के योग्य भाई बहन बुजुर्गों ने मुझे दिल खोल के वोट डाल के समर्थन किया है। इसके लिए मैं तामूर भर उनका एहसानमंद हूँ और ऋणी हूँ। और रही विकास की बात, जो वार्ड नंबर 9 में अधूरे काम जो काफ़ी वक्त से अधूरे पड़े थे मैं उन्हें पूरा करवा रहा हूं, और जो भी मेरा जो अपना प्रथम एक कार्य है, जब मैंने अपना एक प्रेस्टो बनाया था तो उसमें लिखा मेरा वार्ड मेरा महान मेरा अपना मेरा सपना, तो मैं वार्ड नंबर 9 को सुजानपुर में सबसे श्रेष्ठ एक आदर्श वार्ड बनाऊँगा। थैंक यू।